हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेटिंग पैटर्न बुनना सिखाऊंगी। इस पैटर्न को आप बेबी के सेट में, कार्डिगन में, शॉल में, फ्रॉक में, कैप में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो स्टिचेस आपको लेने होंगे वो आप 8-8 के मल्टीपल में स्टिचेस लेकर उसमें 1 स्टिच ऐड कर देंगे, 2 एजेस के लिए ऐड कर देंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी नेटिंग आउटफिट में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 27 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, 27 फंदे डाल लिए हैं, 8-8 के मल्टीपल में 24 प्लस 1 25 और 2 एजेस के। इस तरह से 27 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद अब हमें डिज़ाइन बुनने से पहले यहाँ पे 2 बेस रोज बुनकर तैयार करनी है, राइट साइड से सीधा, रॉन्ग साइड से उल्टा। इस तरह से हमें इन रोज को बुनना है। फर्स्ट बेस रो हम बुनना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और इस पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। राइट साइड से इस बेस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की इस बेस रो को हमें उल्टा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी दोनों बेस रोज बुनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमें बस एक बार ही बुननी थी। इसके बाद अब डिज़ाइन हम बुनना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन की राइट साइड से अब हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदा जो हमारा एज स्टिच है इसको तो हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे बैक लूप से और ऐसे सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 8 फंदों पे हमें डिज़ाइन सेट करना है। जिस तरह से हम यहाँ 8 फंदों पे डिज़ाइन बनाएंगे उसी को हमें 8-8 फंदों पे पूरी रो में रिपीट करते जाना है। तो अब 8 फंदों में से जो 5 फंदे हैं उनको हमें सीधा बुनना है और हर फंदे से पहले हमें एक जाली बनानी है। धागा अभी हमारा पीछे है, आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये एक जाली हमारी बन गई, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, दो जाली हो गई, धागा आगे लेकर आएंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीन जाली हो गई, धागा आगे लेकर आएंगे, चौथा फंदा सीधा बुनेंगे, चार जाली हो गई, धागा आगे लेकर आएंगे, पांचवा फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने यहाँ भी एक जाली बना दी। तो आप ये देखेंगे कि 5 फंदे हमने सीधे बुने हैं और 5 फंदों से पहले एक एक जाली हमने बना दी है। अब इसके बाद फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 3 फंदे इकट्ठा एक साथ लेंगे हम ऐसे बैक लूप से और इन 3 फंदों को सीधा बुनते हुए ऐसे 3 फंदों का एक बना देंगे। तो यहाँ भी हमारी एक जाली बन गई है। यहाँ से लेकर 2 फंदों का एक करने के बाद से लेकर जो 8 फंदों पे हमने ये डिज़ाइन बनाया है इसी को हमें पूरी रो में रिपीट करते जाना है। तो अब नेक्स्ट 8 फंदों पे हमें इसी तरह से बुनना है। देखिए, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, चौथा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, पांचवा फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए और उनसे पहले एक एक जाली बना दी। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 3 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए बैक लूप से 3 फंदों का हम एक बना देंगे। यहाँ भी हमारी एक जाली हो गई। अब इस तरह से 8-8 फंदों पे आप चाहे कितने भी स्टिचेस लें इसी तरह इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। जब हम एंड में आएंगे तो एंड में हमारे पास ये 8 फंदे बचेंगे। 8 फंदों में से जो लास्ट का फंदा है ये तो हमारा एज स्टिच है। अब 7 फंदों पे हमें डिज़ाइन सेट करना है। 7 फंदों में से 5 फंदे तो हमें ऐसे ही बुनने हैं जैसे हमने ये सीधे बुने थे, हर फंदे से पहले एक एक जाली बनाई थी। धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 1, धागा आगे लेकर आएंगे, 2, धागा आगे लेकर आएंगे, 3, धागा आगे लेकर आएंगे, 4, धागा आगे लेकर आएंगे, 5। ये 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए और 5 फंदों से पहले एक एक जाली बना दी। अब हमारे पास लास्ट में ये 3 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदों को हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है। धागा ऐसे हम आगे लेकर आएंगे और इन दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक बना देंगे। तो यहाँ भी एक जाली हमारी बन जाएगी और लास्ट का जो हमारा एज स्टिच है इसको हम सीधा बुनकर इस तरह से इस फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर लेंगे।
फर्स्ट रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड रो पर आ गए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। दो फंदों का एक बनाने के बाद अब नेक्स्ट हम 12-12 स्टिचेस पर 12-12 फंदों पर डिज़ाइन को सेट करेंगे। अब यहाँ से जो 12 फंदे हैं उनमें से 9 फंदे 9 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे 3 स्टिचेस हैं, 3 फंदे हैं, उन्हें हमें इकट्ठा एक साथ लेना है बैक लूप से, ऐसे सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देना है। इस तरह से हमने इन 12 फंदों पे डिज़ाइन को जिस तरह बुना है, इसी प्रोसेस को हमें पूरी रो में रिपीट करते जाना है। अब नेक्स्ट फिर से हमें इसको रिपीट करना है। देखिए 9 स्टिचेस हम फिर सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 3 स्टिचेस ऐसे हम बैक लूप से लेंगे, इकट्ठा 3 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब इस तरह से इसी प्रोसेस को हमें पूरी रो में रिपीट करते जाना है। जब हम एंड में आएंगे तो एंड में अब हमारे पास यहाँ पे 12 स्टिचेस हैं, जिसमें से ये वाला स्टिच तो हमारा एज का है, लास्ट स्टिच, और इसके अलावा यहाँ पे ये 11 स्टिचेस है, 11 फंदे हैं। 11 फंदों में से 9 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। जैसे ही हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे हमारे पास ये 3 स्टिचेस रह जाएंगे, 3 फंदे रह जाएंगे। इनमें से ये वाला जो फंदा है लास्ट का, ये तो हमारा एज स्टिच है, लेकिन इससे पहले के ये जो दो फंदे हैं इनको हमें इकट्ठा एक साथ लेना है और दो फंदों का बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देना है। और ये जो हमारा एज स्टिच है इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की थर्ड रो डिज़ाइन की बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारी रॉन्ग साइड की फोर्थ रो है डिज़ाइन की, इसको हमें पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड फिफ्थ रो पर आ जाएंगे। इस रो में स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। दो फंदों का एक बनाने के बाद अब हमें नेक्स्ट 10-10 फंदों पर डिज़ाइन सेट करते जाना है। अब 10 फंदों में से हम 7 फंदे 7 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे 3 फंदे हैं 3 स्टिचेस हैं इनको हमें इकट्ठा लेना है, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 फंदों का हम एक बना देंगे। इस तरह से हमने इन 10 फंदों पे डिज़ाइन सेट कर दिया है। इसी को हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। सात फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 3 फंदे ऐसे हम इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। अब इस तरह यहाँ तक बुन लेने के बाद हमारे पास लास्ट में ये 10 स्टिचेस बचे हैं, 10 फंदे बचे हैं। 10 फंदों में से ये जो हमारा लास्ट का फंदा है ये तो एच स्टिच है। इन 9 फंदों पर अब हमें डिज़ाइन को बुनना है। 9 फंदों में से 7 फंदे 7 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद
लास्ट में तीन फंदों में से दो फंदे हम ऐसे लेंगे, बैक लूप से दो फंदों का सीधा बुनते हुए एक बना देंगे, और ये जो हमारा एच स्टिच है इसको हम नॉर्मली सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये डिज़ाइन की फिफ्थ रो बुनकर कंप्लीट कर ली है राइट साइड की। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की सिक्स्थ रो पर आ जाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है। इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की सिक्स रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब हमारी डिज़ाइन की ये सिक्स रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट से लेकर सिक्स तक जो रोज मैंने आपको बुनकर बताई हैं, राइट साइड से यहाँ से इन्हीं रोज को हम रिपीट करते जाएंगे, फिर ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको बुनेंगे, देखिए सिक्स रोज बुनने में हमारी ये एक लाइन बनी है, फिर नेक्स्ट सिक्स रोज में फिर इस तरह की लाइन बन जाएगी। ऐसे ऐसे ये डिज़ाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न आपका बुनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।